हेलो गाइस, मैं हूँ शिवम। आप देख रहे हैं शिवम टेक। टुडे वी हैव दिस महिंद्रा बोलेरो नियो। तो जो बोलेरो नाम यूज़ किया गया है, तो आप लोग कहेंगे कि दिख तो टीयूवी की तरह रहा है, लेकिन टीयूवी और बोलेरो काफ़ी सिमिलर गाड़ी है। मतलब जो लुक्स अभी बोलेरो नियो करके जो महिंद्रा लॉन्च की है, उसे काफ़ी चीज़ें इसमें सिमिलर मिल जाती है। ज़्यादा जैसे आप बॉडी की बात कर लो, तो बॉडी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मिल जाती है। एंड ऐसे स्टेप की कुछ फ्लिप की मिल जाती है जो कि महिंद्रा फॉलो करती है, जो थार वगैरह में भी आती है, एक्सयूवी 700 में भी आती है, और अपनी स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक सभी में यही की यूज होता है। एंड ऐसा कुछ अपने को फ्रंट से प्रोफाइल मिल जाती है महिंद्रा बोलेरो नियो का। लोगों को ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, इसमें खाली सिर्फ लोगों का डिफरेंस है। तो अभी हम बात करेंगे, तो अभी हम फ्रंट से बात करते हैं। फ्रंट में अपने को क्या क्या मिल जाती है, तो अभी ये सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट से। फ्रंट अपने को ग्रिल कुछ इस टाइप की मिल जाती है, जो कि स्कॉर्पियो क्लासिक में भी है, जो अभी करेंटली आई है उसमें भी कुछ इसी टाइप की अपने को ग्रेडिंग यूज़ हुई है, जो कि इस टाइप की खड़ी खड़ी। तो एंड यहाँ पे बस अगर लोगो चेंज कर दोगे तो बस ये न्यू वाली बन जाएगी, एंड लोगो हटाओगे तो पुरानी वाली बन जाएगी। एंड ऐसा कुछ अपने को दिखता है। एंड यहाँ ग्रिल कुछ अपनी यहाँ पे रेक्टेंगल थोड़ी सी यूज़ हुए इस टाइप की। एंड अंदर में अपने को रेडिएटर। एंड इसमें हॉर्न्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी बात है, जो पहले बोलेरो आती थी उसमें सिर्फ एक ही हॉर्न आती थी, इसमें सिर्फ दो हॉर्न दिए हुए हैं, जो कि मतलब जो इम्प्रूवमेंट है वो महिंद्रा धीरे धीरे कर रही है। एंड इस टाइप की अपने को पूरी क्रोमिश यहाँ पे मिल जाती है, जो लोगों के साथ अपनी कंटिन्यू हो रही है। एंड यहाँ पे भी क्रोमिश वर्क हुआ हुआ है। एंड जो बोलेरो मतलब टीयूवी भी आती थी, टीयूवी और ये सिमिलर ही मानी है, तो पहले ये बम्पर वगैरह जैसे अटैच थी, जैसे पुराने बोलेरो में ऐसे अटैच नहीं आती थी, तो ये अटैच मिल जाती है। एंड इसमें अपने को प्रोजेक्टर वगैरह सपोर्ट नहीं मिलता है, टॉपेस्ट वेरिएंट है, फिर भी अपने को यहाँ पे हैलोजन्स के सपोर्ट मिल जाते हैं। साथ में टर्न इंडिकेटर्स विद जो बोलते हैं कि पार्किंग लाइट जो जलता है उसके लिए। एंड अगर नीचे देखें, नीचे अपने को यहाँ पे फॉग लैंप का ऑप्शन मिल जाता है। एंड काफ़ी मतलब देखने में जो मतलब गाड़ी अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत एक कॉस्मेटिक चेंजेस है टीयूवी के कंपैरिजन में, बट देखने वाले महिंद्रा बोलेरो नियो। एंड इस टाइप की कुछ फ्रंट से दिखती है। एंड नीचे भी थोड़ी ग्रिलिश, यहाँ पे रेडिएटर के लिए सपोर्ट मिल जाता है। एंड इस टाइप की आप यहाँ पे नंबर प्लेट आप इंसर्ट करा सकते हैं। एंड नंबर प्लेट पे ज़्यादा फोकस ना करें, CG5 छत्तीसगढ़ का गाड़ी है। एंड ये दिस इज़ अ टेस्ट ड्राइव डेमो वेरियंट। एंड ये अपनी इधर भी फॉग लैंप मिल जाती है, हेलोजन। एंड अगर लेफ्ट साइड से अगर प्रोफाइल की बात करें, तो लेफ्ट साइड में अपने को ऐसा कुछ ऐसा लुक आ जाता है। पार्थिश भाई हमारे, एक बार अपनी लुक इधर दिखा दीजिए कि क्या अपने को लुक निकल के आती है। एंड ऐसा कुछ अपने को यहाँ पे लुक देखने को मिलती है, सिमिलरली टोटली अपनी टीयूवी के साथ सिमिलर हो रही है, बट दिस इज़ अ बोलेरो नियो। एंड ऐसा कुछ अपने को लुक मिल जाता है। एंड अभी अगर फ्रंट से बात करें, तो फ्रंट में अपने को यहाँ पे पिलर पे ही जो मेरे को सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ लगती है, जो कि इंडिकेटर यहाँ पे दे देना चाहिए था वर्म पे, बट यहाँ फेंडर पे ही अपने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे ब्लैकिश यूज़ हुआ है, जो कि पूरा डोर हैंडल भी ब्लैक कलर में है, जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ रहा है पीछे तक। एंड ये पूरा कंटिन्यू हो रही है। एंड इस टाइप का कुछ अपने को लुक मिल जाता है। एंड ऐसा मतलब जो टीयूवी वाली फील है ना, वो नहीं छोड़ी है, पूरी टीयूवी लगती है, बस नाम चेंज कर दिया है। एंड ऐसा कुछ अपने को ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। एंड फर्स्ट इसको ऑफ कर दें। एंड अगर फ्रंट से बात करें, फ्रंट में अपने को अलॉय व्हील मिल जाती है। अगर अभी इस प्रोफाइल की बात करें, तो अपने को 215/17 R15 इसमें टाइल प्रोफाइल मिल जाता है, जो कि 15 इंचेस के अपने को अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल अलॉयस हैं, ज़्यादा कुछ डायमंड कट वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल है, बट जो देखने में स्टिल अच्छी लगती है। एंड ऐसा कुछ अपने को दिखता है। एंड जो बोलेरो का काफ़ी शिकायत है कि इसमें बहुत पटकता है, झूला है, ये है वो है, तो महिंद्रा सीधा ने टीयूवी के जगह बोलेरो नियो लगा कि आपको बोलेरो नाम से सस्पेंशन गाड़ी बेच रहा है, तो ऐसा कुछ अपने को है। एंड इस टाइप की अगर देखो, तो इधर फ्यूल लीड एंड पीछे भी, अगर यहाँ से अगर बड़ी एसयूवी है, तो अगर आप ऐसे चढ़ोगे, ऐसा अगर डोर को ऐसे अपने ग्रैब हैंडल यहाँ पकड़ोगे एंड ऐसे फुट स्टेप यहाँ रख के, आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। एंड यहाँ काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, ये सब हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। एंड ऐसा कुछ था लेफ्ट साइड से। एंड यहाँ पे 7-सीटर वेरिएंट है, तो यहाँ पे अपने को टेल लाइट इस टाइप की मिल जाती है, जो कि ब्रेकिंग एंड रिवर्स वगैरह टर्न इंडिकेटर्स वो सब काम करती है। एंड ऐसा कुछ अपने को पीछे से बात करें, पीछे अपने को वॉशर, डिफॉगर एंड वाइपर्स तीनों चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो यहाँ पे आप लोग बैचिंग देख सकते हैं बोलेरो नियो, बोलेरो बस नाम को अगर छुपा दो, कुछ दूसरा देखे नियो दे देते तो काफ़ी अच्छा रहता,
अगर TUV भी रहता, TUV नहीं हो तो भी बेटर लगता है, लेकिन बोलेरो नाम देखिए, आप जो देसी बोलेरो है उसको आप चेंज कर रहे हो TUV में, ऐसा कुछ है। एंड ऐसा लिव यंग लिव फ्री का जो महिंद्रा की बैजिंग आती है वो दिया हुआ है। एंड यहाँ पे TUV टाइप की काफ़ी बड़ी अपनी हाइट, मेरी हाइट 5.1 है लेकिन मेरे से भी बड़ी मिल जाती है, मान लो ये 5.3 हाइट इसका कुछ है। एंड वाइपर डिफोगर सभी चीज़ें मिल जाती हैं, बोलेरो नहीं है। एंड वही बॉडी कलर डोर हैंडल्स नहीं मिलते हैं, ब्लैक कलर की मिल जाती है। एंड ऐसा कुछ अपने को टेल लाइट, एंड यहाँ पे अच्छी बात है यहाँ पे रियर सेंसर दिए हुए हैं जो काफ़ी अच्छी बात है। एंड जैसे टाटा वगैरह सिर्फ दो ही देती है तो इसमें चार अपने को यहाँ पे मिल जाती है जो कि सेंसर्स काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे अगर पीछे अगर एडल्ट्स तो काफ़ी अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ रखे हुए हैं, बट जो एडल्ट्स हैं वो नहीं बैठ पाएंगे, जो टीनेजर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बैठ पाएंगे एंड कम्फर्टेबली। एंड सीट्स की बात करें, सीट्स अपने को फैब्रिक एपोस्ट्री मिल जाती है। एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप की बीच कलर यहाँ पे यूज़ हुई है। एंड ऐसा कुछ अपने को दिखता है अंदर से, यहाँ पे खोलने के लिए डोर हैंडल्स, एंड यहाँ पकड़ के अप ग्रिप हैंडल इसको ऑफ बंद कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ दिखता है। एंड यहाँ पे अपने को स्टेपनी मिल जाती है, और यहाँ पे अपने को लोगो एंड या बोलेरो लिखे हुए, और ये काफ़ी TUV वाला ही दिया हुआ है, बस अपना बोलेरो नया लिखा हुआ है। एंड यहाँ वेरियंट लिखा हुआ है N10, जैसे मैं बताया हूँ कि टॉप मॉडल है। एंड ऐसा कुछ इसका लुक मिल जाता है, एंड ऐसा कुछ अपने को पूरा प्रोफाइल है। एंड यहाँ पे अपने रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाती है नीचे। एंड यहाँ पे जो स्पोर्ट्स वाली जो मतलब थोड़ी SUV वाली फील आने के लिए यहाँ पे पूरा ब्लैकिश जो नीचे यूज़ होता है वो यूज़ हो गया। एंड अगर इधर से बात करें राइट साइड से सेम एज ए सिमिलर है। एंड इस टाइप की कुछ अपनी पूरी गाड़ी आ जाती है। एंड अभी अंदर से बात करते हैं तो अंदर में क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले डोर ओपन करते हैं, डोर ओपन करते साथ सबसे पहले अपने को फील होती है बीच कलर पूरी, मतलब डुअल टोन डैशबोर्ड वगैरह मिल जाते हैं, बट डोर वगैरह जो है बीच कलर मिल जाते हैं, जो मतलब ऐसे कंफर्ट सॉफ्ट टच लगता है, बट सॉफ्ट टच ऐसा है नहीं, हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ हुआ है। एंड अपने को ब्लैक कलर की यहाँ पे डोर ओपनिंग के लिए दिया हुआ है। एंड यहाँ पे अपने को अम्ब्रेला होल्डर वगैरह नहीं मिलता, फाइल्स रख सकते हैं, वाटर होल्डर है। एंड यहाँ स्पीकर्स, नो ट्विटर्स अवेलेबल इन दिस वेरियंट, तो मतलब आगे टॉप वेरियंट है फिर भी इसमें अवेलेबल नहीं है। एंड अगर सीट की बात करें, इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है जो कि हमने काफ़ी मतलब ठीक ठाक है क्वालिटी, और क्या मिलेगा अपने को बोलेरो जो नाम यूज़ हो रहा है उसमें। एंड यहाँ पे अपने को सीट एडजस्टमेंट मिलते हैं जो कि TUV मिलती थी। एंड यहाँ पे जो पीछे क्या बोलते हैं इसको आम वो वाला, तो वो सपोर्ट अपने को एडजस्टेबल मिल जाती है। एंड अगर इसमें बैठ के बात करें तो चाबी अपने को फिलहाल इस टाइप की मिलती है जो कि अपनी महिंद्रा फॉलो करती है, बस यहाँ लोगो हटा दो नई वाली बोलेरो नहीं बन जाएगी, ये लोगो लगाओ पुरानी वाली बन जाएगी, तो यहाँ पे वो स्टार्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे लगाओ और इसको ऐसे ऑन हो जाता है। एंड ऐसा कुछ अपने को लुक मिल जाती है इस गाड़ी की जो कि काफ़ी मतलब TUV से सिमिलर है ये भी। एंड ऐसा कुछ अपने को मिल जाता है जो थार वार में बोलेरो नए वाले में भी स्टेयरिंग व्हील आ जाती है। एंड ऐसा कुछ अपने को इंफोटेनमेंट मिल जाता है, तो ऐसा कुछ अपने को डैशबोर्ड मिल जाता है डुअल कलर में जो कि ब्लैकिश एंड बीच कलर यहाँ पे यूज़ हुआ है। एंड ऐसा कुछ क्लस्टर मिल जाता है, धूप आ रही है तो उस कारण थोड़ा सा मेरा क्वालिटी थोड़ा डाउन हो जा रहा है, बट उतना गौर मत कीजिएगा। एंड ऐसा कुछ अपने को मिल जाता है, दो AC वेंट्स यहाँ पे एंड उस साइड भी, एंड टोटल फोर AC वेंट्स। एंड यहाँ पे टच स्क्रीन मिल जाता है जो कि ब्रांड ये वो दिया हुआ है, ओम में चलते हैं। एंड काफ़ी मतलब क्विक रिस्पांस मिल रहा है मेरे को इसमें, ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। एंड ऐसा कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि AC वगैरह के, एंड यहाँ पे मोड्स चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे पीछे वगैरह हीटर वगैरह का। एंड ये 5mm मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। एंड यहाँ पे कुछ स्टोरेज मिल जाती है, एंड ऐसा कुछ 12V का सॉकेट एंड USB एंड ऑक्स का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। एंड इधर अगर बात करें डोर हैंडल्स, डोर पे कोई से अपने विंडो पावर विंडो कंट्रोल्स नहीं मिल जाते जो कि ये अंदर मिलते हैं। ये अपनी पावर विंडो कंट्रोल्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे बोलेरो में भी आती है नॉर्मल वाली। एंड यहाँ हैंड ब्रेक जो कि ब्लैक कलर में यूज़ हुआ है। एंड यहाँ पे दो छोटे बॉटल्स और एक बड़ी बॉटल यहाँ पे रख सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ स्टोरेज दिया हुआ है यहाँ। अच्छा ये होता है कि 12V का सॉकेट लगा देते तो काफ़ी अच्छी बात होती है। एंड ऐसा कुछ अपने को देखने को मिलती है। एंड स्टोरेज यहाँ पे अगर कुछ फ़ोन वगैरह रखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा स्टोरेज दिया हुआ है। फ़ोन वगैरह के लिए तो यहाँ ग्लव बॉक्स की बात करें, ग्लव बॉक्स कुछ इस टाइप को मिलता है। एंड इसको अभी हम बंद करते हैं। एंड यहाँ पे अपने को ड्राइवर इस साइड को पैसेंजर साइड मिरर मिल जाती है इसको ऐसे करें तो। यहाँ पे एलोजन का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे माइक मिल जाता है जो आप कॉन्टेक्ट कॉल में बात कर सकते हैं। IRV हम आप लोग देख सकते हैं इस टाइप की अपने को मिलती है इसमें। एंड अपने को स्टेटस मिल जाता है उस साइड फेंडर पे, इधर ए पिलर पे। एंड इधर अगर ऑप्शंस की बात करें क्या क्या मिल जाती है अपने को, ESC, ESS एंड यहाँ पे ब्लोअर कंट्रोल एंड ईको, और यहाँ पे हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे ओवरव्यू के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं जो कि अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
एंड जो फोल्डेबल है ORVMs नहीं आते इसमें, वो चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। एंड काफ़ी अच्छी है गाड़ी, एंड ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, एंड इस टाइप की कुछ अपने को देखने को मिलती है। यहाँ पे आर्म रेस्ट वगैरह मिल जाती है जो काफ़ी गंदे हो चुके हैं। अब सीट कवर अगर लोगे तो इंस्टॉल करा लो तो काफ़ी बेटर है। एंड स्पेस के मामले में बात करें तो बोलेरो नॉर्मल से काफ़ी अच्छा स्पेस मेरे को लग रहा है यूवी की भी है। एंड अगर डोर ओपन करें तो इस टाइप के बीच में कुछ इस टाइप की आ जाती है, एंड ऐसा कुछ अपने को पीछे जो सामने अपने पावर विंडो कंट्रोल्स में मिलता है इस साइड डोर वगैरह में, तो वही चीज़ पीछे अपने को दे दी है जो कि यहाँ पे है। एंड ऐसा कुछ अपने को व्यू मिल जाता है, एंड यहाँ पे बीच में अमरेश और अपना पार्थिश भाई यहाँ पे बैठा हुआ है। तो कैसा लग रहा है बैठ के? मतलब कंफर्टेबल तो लग रहा है। कंफर्टेबल है ना? अरे भाई थोड़ा सा गंदे वगैरह हो चुकी है, तो डेमो पीस है तो गंदी तो होनी नॉर्मल बात है। एंड यहाँ पे अपने रीडिंग रीड लैंप्स मिल जाते हैं, एंड ऐसा कुछ अपने को लुक आती है फ्रंट की अगर आप देखें तो। एंड अभी हमारे भाई खेलते हुए पूरे गाड़ी के साथ, एंड ऐसा कुछ अपने को लुक आ जाता है। एंड फिर से हम पीछे चलते हैं एक बार फिर से दिखाने के लिए। एंड पीछे कुछ एडल्ट तो नहीं बैठ पाएंगे, तीन जस्ट बैठ सकते हैं इजीली, एंड आप स्टोरेज काफ़ी अच्छी रख सकते हैं। एंड अब यहाँ पे ये सीट फोल्ड भी हो जाती है, एंड यहाँ पे अपने को जेक वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है जो नीचे है, ये लगा सकते हैं। एंड इस टाइप की कुछ अपनी प्रोफाइल आ जाती है जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। बोलेरो नियो तो मेरे मुंह से टीवी निकलता है क्योंकि आदत हो गया टीवी देखकर, तो ऐसा कुछ अपने को लुक आ रहा है इस गाड़ी का। तो एज अगर वॉक अराउंड पेड़ से दे दूं तो कुछ इस टाइप की अपने को दिख जाती है। एंड अगर अभी पूरी हम टोटल ओवरऑल बात कर चुके हैं तो इतना कुछ था इस गाड़ी के बारे में। एंड अभी इंजन की बात करते हैं तो एक बार फिर से मैं आपको इस गाड़ी का वॉक अराउंड दे देता हूँ। ऐसा कुछ अपने SS दिखती है, एंड अभी मैं जगदलपुर में हूँ ये अपनी रॉयल एनफील्ड शोरूम के पास। एंड ऐसा कुछ अपने को पूरी ओवरऑल गाड़ी आ जाती है, एंड ऐसे सस्पेंशन वगैरह मिल जाती है इसमें। एंड अभी इंजन की बात करते हैं, इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस टाइप की कुछ आ जाती है। एंड इसमें काफ़ी अच्छा इंसुलेशन हुआ है वर्क, तो ऐसा कुछ अपने को इंसुलेशन मिल जाता है। एंड काफ़ी छोटा इंजन नहीं बोल सकते, बड़ा ये TUV का ऐसा कुछ दिखता है। एंड अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इंजन अपने को 1.5 लीटर डीजल इंजन मिल जाती है जो कि 100 BHP पावर जनरेट करता है, एंड 160 Nm का टॉर्क जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऐसा कुछ अपने को लुक आ जाता है, TUV बोलो या फिर बोलेरो नियो बोलो, बात एक ही है ऐसे। लेकिन अगर शोरूम अगर लेना चाहोगे तो आपको बोलेरो नियो भी बोलना पड़ेगा। एंड वेरिएंट ये टॉप वेरिएंट है, हम सभी के धीरे धीरे रिव्यूज लेके आएंगे, ऐसी सपोर्ट करते रहें। अगर वीडियो पसंद आ जाती तो लाइक कीजिए, एंड कमेंट में बताइए गाड़ी कैसे लगी आपको। अगर ऐसे ही वीडियोज देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड तो शिवम ऑटोटेक को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।